नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। जब से बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बने हैं तब से लगातार वो एक्शन में है और उसके बाद अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने मीटिंग भी की थी जिसके बाद उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप एक्शन में नहीं आते हैं तो हम एक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद बिहार के तमाम जिलों की जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ऐसी बीच मोतिहारी से खबर निकल कर आ रही है जहाँ कल शाम को एक युवक का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन अपहरण के महज 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उस युवक को ढूंढ निकाला। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसने अपहरण किया था इस युवक का उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जबकि 2 लोग जो है जो उन्होंने अपहरण किया था वो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। और गनीमत यह है कि जो महज 3 घंटे के अंदर ही इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें कि इस विषय में जो मोतिहारी के छतौनी के थाना अध्यक्ष है विजय कुमार चौधरी, उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। अपहरण मामले में एक गिरफ्तार किया गया है, उस पर क्या कर रहे हैं? कल एक मामला रात्रि में प्रकाश में आई थी बंगाली कॉलोनी से, प्रशांत कुमार हैं जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं उन्हीं का कुछ लोग अपहरण कर लिए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा तकनीकी सहायता से रघुनाथपुर ओपी में अपहरिता को एवं अपहरित करने वाले रवि सहनी को अपहरिता को बरामद किया गया और रवि सहनी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ और लोग भी थे? इसके साथ 2 और लोग हैं, मुन्ना यादव और संतोष राम हैं। मुन्ना राम और संतोष यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी? नहीं हुई है। तो आपने थाना अध्यक्ष को सुना जिन्होंने कहा कि सूचना के आधार पर तुरंत ही टीम गठित की गई और उसके बाद जो है लगातार छापेमारी एक करके महज 3 घंटे के अंदर ही इस युवक को बरामद कर लिया गया। और आपको पूरा मामला क्या है विस्तार से बता देते हैं। दरअसल जो है मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर से सफलता मिली है जहाँ छतौनी थाना क्षेत्र से एक जिसे अपहरण किया गया था अपहरण के महज 3 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया गया है। इसके साथ एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस दौरान 2 अपहरणकर्ता भागने में सफल रहे जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि संध्या करीब शाम 6 बजे छतौनी थाना क्षेत्र स्थित बंगाली कॉलोनी से प्रशांत कुमार नामक युवक जो बंजरिया थाना क्षेत्र के मुखलिसपुर गांव का निवासी है उसका अपहरण कर लिया गया था। और सूचना मिलते ही छतौनी इंस्पेक्टर ने पदाधिकारियों को सूचना दी जिसके बाद टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद ही लगातार छापेमारी के दौरान ही इस युवक को बरामद कर लिया गया। साथ ही एक अपहरणकर्ता जो है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही जो 2 भाग चुके थे उनकी भी छापेमारी की जा रही है गिरफ्तारी के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।